Good morning all, namaskar. Welcome to my channel AvidVlogger Sanju. Thanks a lot for all the support and help that you are showing on my channel, and you are liking my video, commenting my video and also subscribing to my channel. तो आज का वीडियो में मैं एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग टाइप बनाने वाला हूँ, पर उसको एक लॉगिंग जैसा, वी लॉगिंग जैसा, वीडियो लॉगिंग जैसा बनाने वाला हूँ. तो पहले मैं मेरे जिम में आया हूँ. तो आज संडे है, संडे 1st of April. हैप्पी ईस्टर टू ईच एंड एवरी वन. तो सबको हैप्पी ईस्टर. और मैं आज अप्रैल फुल भी है, तो मुझे किसी को अप्रैल फुल नहीं बनाना है, एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाना है, वही है. तो कल सैटरडे था, आज संडे है. तो कल सैटरडे था, तो मैंने जिम में देखा कि बहुत सारे लोग स्क्वाट कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि सबको पता है सैटरडे लेग्स के लिए फेमस होता है, लेग्स डे सैटरडे करते हैं, तो ज़्यादा करके सब जन स्क्वाट्स करते हैं. तो मैं कल देख रहा था सब लोग स्क्वाट्स मार रहे थे. तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन से इक्विपमेंट्स में स्क्वाट्स मारते हैं लोग नॉर्मली. ये एक मशीन है जिस पे लोग स्क्वाट्स मारते हैं, इसको बोलते हैं स्मिथ मशीन. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि इसमें सब सपोर्ट रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सपोर्ट रहता है, ये ऊपर नीचे जाता है और आपका वेट भी कंट्रोल कर लेता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जो इक्विपमेंट के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो है ये इक्विपमेंट. ये आपने सब जिम में देखा रहेगा या पता नहीं, इसको बोलते हैं स्क्वाट रैक, पावर रैक, या जो कुछ आपको बोलना है, पावर केज, जो भी आप बोल सकते हैं. तो ये इक्विपमेंट के बारे में बोलूँगा. कल लोग इस पे मार रहे थे स्क्वाट्स, तो मुझे कुछ फील हुआ जो मुझे बताना चाहिए ऐसा मुझे लगा, तो इसी कारण ये वीडियो बना रहा हूँ. और जैसे कि आप देखते हैं हमारे स्क्वाट रैक के ऊपर हमने कोट रखा है, स्क्वाट्स आर लाइक लाइफ, इट्स अबाउट स्टैंडिंग अप व्हेन समथिंग हैवी ट्राइज टू कीप यू डाउन. तो मुझे बस 2 से 3 मिनट दीजिए, मैं मेरा ट्राईपॉड एडजस्ट करूँगा और आपको ये इक्विपमेंट के बारे में डिटेलली बताऊँ. मैंने अभी मेरा ट्राईपॉड सेट किया है, तो अभी वापस वीडियो की तरफ जाते हैं. तो मैं आप जैसे कि मैंने बोला कि मैं आज ये इक्विपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, स्क्वाट रैक कैसे यूज़ करते हैं. तो मैं ऐसा ये नहीं बताऊँगा कि स्क्वाट कैसा करना चाहिए, कि मतलब कौन सा फॉर्म है, वो सब मैं आज डीपली नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ है इसके लिए. सिर्फ मैं एक जनरल टिप दूंगा, स्क्वाट्स का पोजिशन क्या है, जो आपका पैर है आप सोचते रहेंगे कितना दूर रखने का क्या नहीं, तो इट शुड बी शोल्डर विथ अपार्ट, दैट इज़ दिस, ज़्यादा बाहर भी नहीं ज़्यादा अंदर भी नहीं, शोल्डर विथ अपार्ट लो. और आपका जो ये थाई बोन जिसको फ्यूमरस बोलते हैं, वो फ्यूमर परपेंडिकुलर रहना चाहिए ग्राउंड से, परपेंडिकुलर रहना चाहिए. ये स्टार्टिंग पोजीशन और ये एंड पोजीशन, दैट इज दिस इज द पोजीशन ऑफ स्क्वाट. और ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इसको फिर ओलंपिक स्क्वाट्स बोलते हैं जो पूरा बैठते हैं. ये बस दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एंड दिस इज द एंड पोजिशन ऑफ द स्क्वाट. तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं. ये इस इक्विपमेंट का क्या फ़ायदा है, पहले मुझे ये बोलना चाहिए कि स्क्वाट रैक क्यों यूज़ करते हैं, स्क्वाट रैक किसके लिए यूज़ करते हैं. अगर आप अकेले हो जिम में, जैसे कि मैं अकेले हो जिम में और मुझे स्क्वाट्स मारना हैवी स्क्वाट्स, तो ये मशीन मेरे को इंजरी प्रिवेंट करता है, ये मशीन मेरे को इंजरी प्रिवेंट करता है. अगर मेरे को नॉर्मली स्क्वाट मारना है तो मैं नॉर्मली मारूंगा स्क्वाट, कितना भी वेट मेरे को जितना ज्यादा उतना ज्यादा. अभी मेरे को मेरा प्रोग्रेशन करना है, मुझे इंक्रीज करना है वेट, तो मैं क्या करूंगा स्क्वाट ट्रैक में मारूंगा. पर लोग क्या करते हैं, स्क्वाट ट्रैक में भी सेम तरीके से मारते, ऐसा ऐसा हैवी वेट के साथ, और उधर उनको इंजरी होता है, जबकि ये मशीन है इंजरी प्रिवेंशन. और लोगों को ये मशीन किस तरह यूज करना है वो मैं आज बताऊंगा. पता है लोगों को, पर क्या मालूम वो मिस्टेक करते हैं या नहीं करते, वो मुझे नहीं पता. तो मैं आपको सिर्फ वो इक्विपमेंट कैसा यूज़ करते हैं वो बताता हूँ. जस्ट अभी ये दो क्लिप्स रहते हैं जिस पे आपका बारबेल सपोर्ट होता है, ये जो दो क्लिप है उस पे आपका बारबेल सपोर्ट होता है. सबसे इम्पोर्टेंट ये किधर लगाने का. तो जैसे कि आप स्क्वाट रैक में देखते रहेंगे ये होल्स, ये होल है होल, तो ये होल पे ये इसको पिन करने का रहता, ये इम्पोर्टेंट पिन. अभी ये जो मेरा बोन दिख रहा है ये, दिस इज कॉलर बोन, नोन एज कैविकल बोन. कैविकल बोन के लेवल पे आपका ये पिन, मतलब ये सपोर्ट जो है वो इंसर्ट होना चाहिए. हो गया पिन पोजीशनिंग. अभी इस पे बार डालने का है,
12 ये मैंने डाल दिया 12 हो गया फर्स्ट पोजीशन जिधर आपका पिन एडजस्ट हो गया ऐसे पिन रहते हैं तो सब जिम में अलग अलग टाइप रहेगा तो हमारे जिम में ये टाइप है इंपॉर्टेंट चीज इधर लोग क्या करते हैं स्क्वाट के लिए ये बार लेते हैं और हेवी मार रहा हूं मैं हेवी इट्स एन हेवी स्क्वाट में मार रहा हूं तो ये स्क्वाट पोजीशन ठीक है अभी सबसे ब्लंडर मिस्टेक जो लोग करते हैं और सभी मैंने कल जो मैं बोल रहा था मैं वीडियो बनाने का कारण सैटरडे को मैंने देखा सभी क्लाइंट ये गलती कर रहे थे दोनों पिन को इतना नीचे रखे इतना नीचे मुझे बताओ अगर इतना नीचे रखेंगे तो इसमें सेफ्टी क्या है आपको दिखा तो नॉर्मली करके स्क्वाट्स अभी ये देखो मैंने लिया बार और मैं स्क्वाट कर रहा हूं मैं फुल सिटिंग करने के बाद भी मेरा ये पावर रैक का देखो ये पिन फिर भी नीचे मुझे ये पावर रैक का या स्क्वाट रैक का जरूरत ही नहीं है अगर मैं इतना नीचे पिन रखूंगा मुझे इसका जरूरत ही नहीं है तो क्या करना चाहिए ये एग्जैक्टली ये पिन किधर रखना चाहिए ये भी अभी मैं आपको बता जैसे कि मैंने आपको पहले सबसे पहले कहा था स्क्वाट का स्टार्टिंग पोजीशन है ये आपने लिया ठीक है और ये आपका स्क्वाट का एंडिंग पोजीशन है अभी ये देखो ये इधर एंड हो गया तो इसके नीचे एक दो ये दो पिन छोड़ के आपका ये वाला बार आना चाहिए तो मैं मेरा उंगली इधर रख लेता हूं इसको पहले अनरैक करता हूं और मैं ये निकाल एडजस्टेड माय स्क्वाट ट्रैक सो ये है पोजीशन स्क्वाट ट्रैक का एडजस्ट करने का ना ही पूरा नीचे लोग क्या करते कल मैंने देखा पूरा नीचे था जबकि आप पूरा स्क्वाट करने के बाद भी आपका वो बार उस पर हिट नहीं होता है तो फिर इसमें इंजरी प्रोटेक्शन इंजरी ज्यादा हो सकता है और आपका इंजरी प्रोटेक्शन ही नहीं होता फिर ये इक्विपमेंट का जरूरत नहीं है आप बाहर आ जाइए और नॉर्मल स्क्वाट करिए क्या प्रॉब्लम है आपको हेवी मारने से अगर आपको इंजरी प्रिवेंशन करना है इसके लिए तो इक्विपमेंट बनाया और आप इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो क्या फायदा उसका तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ नॉर्मली कैसा लेते हैं स्क्वाट रैक अभी समझो ये हेवी है अभी हेवी नहीं है कुछ बार नहीं है जस्ट इमेजिन इट्स एन हेवी तो मैंने ये आप बेल्ट भी पहन सकते हैं बेल्ट पहनना भी इंपॉर्टेंट है बट मैं सिर्फ इक्विपमेंट के बारे में बता रहा हूँ आज बाकी कुछ नहीं तो ये मैंने लंच किया ये मैं गया नीचे ये मैंने अपना ट्रैप्स पे लिया बार को और ये मैं स्क्वाट करना चालू हो गया 1 2 3 अभी समझो मैं जब फटीक हो गया तो मैं क्या करेगा क्या ऐसा निकल जाएगा सो दैट्स द वे ये पोजीशन है वापिस देखते क्या करना है क्या नहीं करना है रिलीजिंग वापिस देखते हैं तो ये मैंने लिया वापिस ये मैंने स्टार्ट किया स्क्वाटिंग 1 2 3 अभी मैं ऊपर नहीं जा रहा तो मैं क्या करेगा ये डाल देगा आगे रख लेगा सिंपल ये 3 लिया मैं जा नहीं पा रहा तो मैंने ढकला पीछे और मैं आगे निकल गया नो इंजरी नथिंग दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन अ स्क्वाट ट्रैक टू प्रिवेंट योर इंजरी बिकॉज कोई ये नहीं देखता कि आप कितना हेवी मार रहे हैं क्या कर रहे हैं आपको हेवी मारना है आपके प्रोग्रेशन के लिए आप मारो ये इक्विपमेंट है अगर आपके पास अच्छा स्पॉटर है तो स्पॉटर का हेल्प लो स्पॉटर मीन्स ट्रेनर अगर स्पॉटर नहीं है तो ये इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करो जिस तरह मैंने किया और इंजरी प्रिवेंशन करो और ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि कल आपको जिम करना है या आपको आपका फिटनेस मेंटेन करना है आज आपने 300 किलो 400 किलो से स्क्वाट किया और कल आप उठ ही नहीं पाए तो वो 300 या 400 किलो का स्क्वाट का कुछ वैल्यू नहीं है भले आप 10 किलो से करो और 100 रेपिटेशन करो दैट वुड बी बेनिफिशियल इफ यू डू 300 किलो एंड यू वुड बी नॉट एबल टू गेट अप द नेक्स्ट डे देन व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग स्क्वाट्स मैन हाँ लोग क्या करते हैं दूसरे को दिखाने के लिए 300-400 किलो करते हैं और इंस्टाग्राम में फोटो या फेसबुक में फोटो डालते खुश हो जाते हैं और दूसरे दिन
जिम में नहीं आया क्यों? अरे मैंने यार बहुत हैवी स्क्वाट कर लिया, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा बैक दुख रहा है, मेरे शायद बैक पे आया। अरे फिर करने का ही क्यों? अगर तुमको इतना दर्द हो रहा है तो तुम करते क्यों है? तो दिस इज द इक्विपमेंट वेर यू कैन मेक मोस्ट ऑफ यूज ऑफ इट। तो एक और बार आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ये जो दो क्लिप है वो आपके कैविकल बोन के उधर रहना चाहिए, और ये जो दो सपोर्ट है वो आप जब स्क्वाट करते हैं आपका एंड पोजीशन है उससे दो होल छोड़ के वो क्लिप लगाना चाहिए। तो एक और बार मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको। तो ये मैंने लोड किया अपने ट्रैप्स पे और मैं स्क्वाट करना चालू कर दिया। 1, 2, 3 नहीं जा रहा है, मूव फॉरवर्ड। सो दैट्स इट, ट्रेन स्मार्टली। ओके, कैसा स्क्वाट रैक यूज करना चाहिए उसका टेक्निक। और आप लोगों ने ये भी देखा कि कितना तकलीफ होता है कि मोबाइल से अकेले जब वीडियो करने के लिए मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था, फिर मेरे को उसको स्टोरेज को डिलीट करना पड़ा, फिर वापस वीडियो एंड हो रहा था तो एंड होने के पहले वापस वीडियो को एंडिंग करना पड़ा। और बाकी कुछ नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। रुको, मुझे कॉल आ रहा है यार, किसका कॉल आ रहा है? हेलो, हाँ अम्मा। अरे ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, क्या करने का, कितना बोलूँ मैं, रोज हर एक वीडियो में बोलता है यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ये लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। अब मुझे रोना पड़ेगा क्या? सब्सक्राइब करो ऐसा नहीं ना। ओके मैम, रखता हूँ फोन। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल, और बेल आइकन हिट करके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो टेक केयर, ट्रेन स्मार्टली एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी विदाउट एनी इंजरी, और अच्छे से रहो। टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी मेरे को ये अटक गया है मेरा माइक, अभी मैं इसके माइक पे कैसे आऊँगा? तो अभी मैं निकालूंगा। ये प्रॉब्लम होता है अकेले जब वीडियो करते हैं, और लोगों को लगता है कि वीडियो करना बहुत ईजी है।